नमस्कार। सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो। अच्छी परवरिश का मतलब सिर्फ उनके खाने पीने, पहनने ओढ़ने और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना ही नहीं होता है, बल्कि बच्चों में अच्छी आदतें, अनुशासन और नियमों का पालन करने की आदत का डेवलपमेंट करना भी होता है। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा समझदार हो, हर हाल में बेहतर से बेहतर प्रोग्रेस करें, और इसके लिए माता पिता हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जिसका प्रभाव बच्चे के कोमल मन पर पड़ता है, जिससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की जो बच्चों के विकास में काफ़ी सहायक है। ज़्यादातर हम बच्चों को हर बात पर टोकते हैं, बच्चों से हर बात पर बहुत ज़्यादा पूछताछ करते रहते हैं। ऐसा करने से बच्चों को लगता है कि उन्हें फ्रीडम है ही नहीं। इसके साथ साथ उनका पेरेंट्स पर से भरोसा भी कम होने लगता है और बच्चों में नेगेटिविटी डेवलप होने लगती है। बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें। घर में जब भी कोई डिसीजन लें, उस डिसीजन में अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व करें, उसकी भी राय लें। ऐसा करने से उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो हर चीज़ को समझने लगता है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होता है। और साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से देखा जाए तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छा होने लग जाता है। जब भी बच्चा आपसे कोई बात करे तो आप उसकी बात को पूरा सुने, फिर अपना ओपिनियन दें। कहाँ वह गलत है, कहाँ वह सही है, उसे प्यार से समझाएं कि बेटा आप यहाँ पे गलत हो, बच्चे आप यहाँ पर सही हो, और सही होने पर उसे अप्रिसिएट करें। जब हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं तो उनमें ट्रस्ट डेवलप होता है, साथ ही उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है। बच्चे पर बहुत ज़्यादा पाबंदी ना लगाएं, लेकिन हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि बच्चे के दोस्त कौन कौन हैं, बच्चे के दोस्त कैसे हैं, बच्चा कोई बुरी आदत तो नहीं सीख रहा है। घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चा किसी तरीके का दबाव महसूस ना करें, इससे उसमें क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। ये भी ध्यान रखें कि बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि हम बच्चों को तो ये सिखा देते हैं कि झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन जाने अनजाने अगर हम छोटी छोटी बातों पर किसी के सामने झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है और इसका इफ़ेक्ट बहुत ही खराब पड़ता है उस पर। उसे लगता है कि मुझे तो सिखाया जा रहा है लेकिन घर में तो इसे कोई फॉलो नहीं करता है, तो मैं क्यों करूं? तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने बच्चों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें, क्योंकि अगर आप बच्चे से कनेक्ट रहेंगे तो वो अपनी डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे और आपकी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे बच्चा जैसा आप चाहते हैं वैसा बनने लग जाएगा। धन्यवाद।